Hello student, welcome to my channel. I am going to explain quadratic equations, some important question बच्चों. अब basic concept discuss करेंगे. चलो बच्चों देखिए, last तक देखिए और pen और notebook निकालिए और note करना सीखिए. बच्चों quadratic equation क्या है? What do you mean by quadratic equation? Quadratic equation एक polynomial है बच्चों. It's a polynomial having degree 2. x square, ये polynomial है बच्चों. ax square plus bx plus equal to 0, polynomial of degree 2 such that polynomial is known as quadratic polynomial. Quadratic, यहाँ पर 2 degree है, एक variable x है, ऐसे quadratic, one variable होना चाहिए और 2 degree होनी चाहिए, such equation is known as quadratic equation बच्चों. तो इसको कैसे solve करें, कैसे check करें कि it is a quadratic या not. तो exercise शुरू करेंगे बच्चों, exercise के question हम लगाएंगे, अंत आप वीडियो देखिए. प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. यहाँ पर क्या हो गया, प्लस सेवन. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई? क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर टू है और वन वेरिएबल. ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. यस, पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन जो है वो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर बच्चों? तो सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट चले, सेकेंड पार्ट में डिस्कस करें. सेकेंड पार्ट है x, यहाँ पर दिया x square minus 2x equal to minus x x minus 3 में. तो second part बच्चों, यहाँ पर second part है x square minus 2x equal to minus 2 और 3 minus x. ये given है. second part ये है कि x square minus 2x equal to minus 2 और x माइनस 3. ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं. देखो क्या करेंगे बच्चों, ये तो ठीक है स्क्वायर है. अब लेफ्ट राइट हैंड साइड को भी चेक करें कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x ऐसे इंटू करेंगे माइनस 6 प्लस 2x. सो राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों. तो यहाँ पर यस यस एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल टू 0 कर देते हैं. ठीक है बच्चों, इक्वल टू क्यों, क्योंकि यहां पे यस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, ऐसे चेक आप करेंगे. यदि स्क्वायर नहीं होगा, पावर 2 नहीं आएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. चलो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें. हां यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया 528 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ गिवन है. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन. अब इसमें कैसे करेंगे, इस फिगर अब यहां पर हमें गिवन है, तो सॉल्यूशन कैसे करें, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, एक्स माने और लेंथ क्या जाएगा इसका, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1. लेंथ क्या जाएगा, ये दिया हुआ है कि लेंथ है 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, जो कि गिवन है. तो एरिया इक्वल टू वी नो दैट एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया आपको दिया हुआ है 528 इक्वल टू लेंथ कितना दिया हुआ है, हमें लेंथ दिया हुआ है 2x plus 1 और ब्रेथ हमारा दिया x. सो इंटू कर देंगे ये, इसको ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर 0 लिखते हैं, इसको इंटू करते हैं 2x square plus x, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस 528.
बच्चों ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। इसमें अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताना है कि इसमें लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या, बस सॉल्व करेंगे तो फैक्टर इसको फैक्टर करना पड़ेगा, इससे इसको इक्वल करेंगे। तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दीजिए, 2x² प्लस x माइनस 558 इक्वल जीरो। अब सबसे पहले हमें यहाँ लाना है एक वन, लाना है तो यहाँ पर टू तो आ गया, तो चलो टू टू से इसको इंटू करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 5 2 8, इसको फैक्टर करेंगे देखें, टू से करेंगे, टू जा फोर, टू सिक्स जा टू, फोर जा फिर टू से करेंगे, टू वन जा टू, थ्री जा टू, फिर टू से करेंगे, फिर यहाँ पर 6 1, फिर जो 61 आ रहा है। अब लाना है हम यहाँ पर से 1, तो यह किसी इंडिविजुअल नहीं है, 61 किसी नहीं जाता है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, लाना हमें कितना है 5, दो दो सो आपके दो दो तो तीन से दो दो सिक्स आएगा, सॉरी यहाँ सिक्स आएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ, सॉरी फिर टू से करेंगे 3 3, फिर यहाँ पर लाना है हमें कितना है 1, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 32 माइनस 33 माइनस ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे 2x² प्लस 33x में से 32x माइनस करेंगे, माइनस 5 2 8 इक्वल जीरो। अच्छा इसमें क्या करेंगे, क्या 2x कॉमन है, और 2 नहीं x के लिए x कॉमन है, 2x प्लस 33 सॉरी, और यहाँ 32 कॉमन लेंगे, यहाँ 16 कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे तो 33 जाएगा प्लस जाएगा भाई। तो यहाँ पर जो आपका निकल रहा है, यहाँ पर देखिए तो x माइनस 16 एंड और क्या आएगा पर 2x प्लस 33 इक्वल जीरो, तो x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 33 अपॉन 2, ये नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, ये नो पॉसिबल क्लियर होगा। तो बच्चों ब्रेथ कितना आ गया 16 आ गया, लेंथ कितनी, अभी लेंथ निकालेंगे तो लेंथ आपका कितना आएगा 2 इंटू x 16 प्लस 1, बच्चों 16 नंबर 33 आ गया 33 मीटर, और ब्रेथ कितना था बच्चों उसको ब्रेथ का कितना था 16 बच्चों, इस प्रकार 16 मीटर। तो एरिया जो हमने फील्ड निकाली, एरिया फील्ड यहाँ पर निकाली बच्चों हमने, लेंथ आया 33, ब्रेथ आ गया 16, ये पहला सेकंड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है ये, थर्ड क्वेश्चन नहीं सेकंड पार्ट है। क्वाड्रेंट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है बच्चों 300। कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, कंजुगेटिव नंबर जैसे आपको देखिए 2 है 3 है 4, इस प्रकार के नंबर को कंजुगेटिव नंबर कहते हैं। जैसे हमारा क्या है 5 6 7 19 20 21, इस प्रकार के नंबर को कंजुगेटिव नंबर, एक ऐड हो जाता है कंजुगेटिव नंबर में, एक हमेशा ऐड हो जाता है। तो लेट कंजुगेटिव नंबर्स, यहां लेटर लिखते हैं कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर बी, कंजुगेटिव पर नंबर को क्या मानेंगे x एंड x प्लस 1, ओके। एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, कंजुगेटिव नंबर क्या हो सकते हैं, इवन कहेंगे तो x ये x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, ये सब क्या कंजुगेटिव नंबर है। इवन कहेंगे तो एक फर्स्ट लेंगे, एक फर्स्ट जब 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, इसको ना इसको इवन लेंगे, ये इवन है, ये इवन है, और ठीक है बच्चों ये इवन हो गया, इवन हो, ये क्या है ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। तो आपसे पूछा जाता है कभी इवन प्रोडक्ट, इवन नंबर, कंजुगेट नंबर, ऑड, खाली कंजुगेट नंबर कहें तो कंजुगेट नंबर ही आता है लगातार, जो नंबर आ रहा है 1 और 2 जो कंजुगेट नंबर है, दोनों ये दोनों कंजुगेटिव नंबर है। बच्चों हमें क्या करना है, इसमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेट नंबर्स इज गिवन 360 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेट नंबर 360 है, तो इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करें, x और x प्लस 1 इक्वल टू दिया 306 बच्चों, तो ये 306 है तो इसको इंटू कर दें x स्क्वायर प्लस x, सो इधर ट्रांसफर करेंगे 306। अब अगेन इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको फैक्टर करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो बच्चों इसको 300 सभी में स्प्लिट करेंगे तो इसको फैक्टर कर दें
टू से डिवाइड करें, 1 5 4 1 5 3 होगा, सॉरी फिर 3 से जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा, फिर ठीक है किसे जाएगा तो 7 से,17 हो जाएगा बच्चों, ये 1 आ गया। अब बच्चों हमें लाना है क्या, 1 लाना है यहाँ पर, तो इसको क्या 3 को इंटू करेंगे तो 3 9 9 2 18 18 में से 7 माइनस करें क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 18x माइनस 7x माइनस 300 बच्चों। देखो ये आपको 9 पीस फिट करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसमें क्या कॉमन है बच्चों, देखो क्या कॉमन है आपको, एक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस 18 क्या देखिए आगे, फिर यहाँ पर 17 एक्स प्लस 18 आ गया इक्वल 0, तो यहाँ पर x माइनस 17 और x प्लस 18 बच्चों इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, x इक्वल टू क्या है 17 है, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 18, x माइनस प्लस 18 इक्वल टू 0 बच्चों, यहाँ पर x इक्वल टू आ रहा है 17 और यहाँ पर x इक्वल टू 18। यहाँ पर आपने देखा ये पॉजिटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पॉजिटिव कहा गया, तो इसको छोड़ देंगे x को 17 लेंगे। तो बच्चों तो कंजुगेटिव नंबर क्या आ गया हमारा, कंजुगेटिव नंबर जो है तो कंजुगेटिव नंबर यहाँ पर आप एक इस क्वेश्चन इसमें तो क्या आ गया, एक x x इक्वल टू कितना आ गया 17 और दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो हमारे कंजुगेटिव नंबर देयरफॉर का नंबर क्या है, नंबर्स का कंजुगेटिव नंबर बच्चों एक 17 आया एंड 18 एक कंजुगेटिव नंबर आ गया, कंजुगेटिव नंबर पूछा गया तो 17। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। एक क्वेश्चन इसमें और है, एक दो जो तीन पार्ट है तो एक पार्ट आपको लगा दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया। तो इसके जो रेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो तो आप इतना आप इसको सॉल्व करें अच्छी तरह इसको समझें आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर करना भूलिए, वीडियो ज़्यादा शेयर के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट हो शेयर करना भूलिए, थैंक यू।